आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में। डीजे एंड साउंड यूनियन शक्ति द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। जिला जांजगीर चांपा के शक्ति ब्लॉक के सभी डीजे एवं साउंड यूनियन द्वारा कचहरी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। डीजे एवं साउंड यूनियन द्वारा 3 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था कि हमारी मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन जो शराब बिक्री करा रही है उसे बंद कराएंगे। डीजे संघ के अध्यक्ष का कहना है कि हम शासन के कोरोना गाइडलाइन का अक्सर सह पालन किया है। जब जब भी लॉकडाउन हुआ है हम अपनी शटर बंद करके घर में चुप बैठे रहे, शासन के नियमों का पालन किया। अब शादी विवाह का सीजन आ गया है तो हमें डीजे बजाने से क्यों रोका जा रहा है? हमारी भी परिवार है, हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? सरकार शराब दुकान चला रही है, वहाँ तो बहुतायत भीड़ रहता है, वहाँ किसी को कुछ नहीं होगा, डीजे बजने से कोरोना फैलेगा। हम सरकार से एकमात्र निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी उत्साह में डीजे बजाने की अनुमति देने की कृपा करें। यदि हमें अनुमति नहीं मिला तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और जवाबदारी संपूर्ण शासन की होगी। उन्होंने आगे कहा कि बजाबो डीजे जाबो जेल का नारा बहुत जोरों से चलता रहा। डीजे संघ का अध्यक्ष हूं शक्ति ब्लॉक का, और हमारी मांग यह है कि हमको डीजे परमिशन दिया जाए। मेरा कहना यह है कि पूरे साल भर हमने कोविड के नियमों का पालन किया है और हम अभी भी पालन करते हुए 50 लोगों के अंदर जो भी शादियों में आप परमिशन दे रहे हैं उसके अंदर ही हम डीजे बजाना चाह रहे हैं। हम कोई लाउड जबरदस्ती का डीजे नहीं चलाना चाह रहे हैं, केवल अपना भरण पोषण का मांग कर रहे हैं। अगर साल भर किसी आदमी को बिना व्यवसाय के रख दिया जाए और उसको ये भी मत बोला जाए कि आप कोई काम भी मत करिए, तब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे जब उस जगह पर खुद खड़े होंगे। आज हमारे जितने डीजे वाले भाई हैं इन लोगों के किसी का कोई भी ऐसा आदमी दिखा दो जो बिना कर्ज के ना हो, पूरे सब कर्ज में डूबे हैं, सब ईएमआई के लिए रोज तगादा जाया जा रहा है घर पे, और पता नहीं फ्यूचर में और क्या होगा। हमको ऐसे ऐसे नीतियों के सरकार के ऐसा करेंगे करके सोचते हैं तो हम ऐसे सरकार को भी नहीं चुनते। नहीं, हम चाहते हैं थे कि छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे कोविड आए। हम तो भाई, हम जिस दिन घर में रहने के लिए बोला गया उस दिन घर पे रहे हैं, जिस दिन बाहर घूमने को बोला गया है उस दिन बाहर घूमे हैं, उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में इतना कोरोना का रिपोर्ट आ रहा है। मुझे तो ये सब कुछ फर्जी लगता है। अब देखिए आज चुनावी रैलियाँ चल रही हैं, वहाँ बस कोविड क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बताए सरकार जो है, मुझे समझाए इस बात को। और हम इतने सारे जो भी इसमें एक भी पॉजिटिव निकाल दे मेरे, कल के डेट पे सबका कोरोना चेक करवाए सरकार, एक भी बंदे को, इतने भीड़ में रह रहे हैं फिर भी किसी को कोविड नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह है, हमारे साथ में 20-20 लोग, 30-30 लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं उसका भी घर चल रहा है। अब पता नहीं हम कैसे क्या इस पूरे साल भर को चलाए हैं और इन बच्चे लोगों का कैसे जिंदगी चला होगा, ये सरकार सोच भी नहीं सकती। और इतनी दयनीय स्थिति पे हम लोग आज कि अगर इस 2 महीने के सीजन में हमको अगर परमिशन नहीं दिया गया तो हम सामूहिक आत्महत्या करने की मजबूर हो जाएंगे और करेंगे भी। अब आप क्या चाहते हैं वो आप ही जाने सरकार। तो हम लोग को यहीं पर खाना वाना सब व्यवस्था किया जाए और यहीं इस नीम घर के पीछे हम परिवार सहित यहीं रहेंगे। मेरा कहना बस सरकार को इतना है कि आज छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, दुकानें, यहाँ तक भूपेश सरकार की शराब की दुकानें भी खुली हैं जहाँ लगातार भीड़ पड़ते जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि डीजे जो संगठन है उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, इस तरह का प्रतिबंध लगा के इनके आजीविका में मतलब पेट में लात मारा जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाया जाए।